अमरीकी करेंसी की कीमत में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा, 220.50 रुपए पर ट्रेड। पाकिस्तान जिम्मेदार जौहरी ताकत, एटमी असासों की हिफाजत के लिए आलमी मयार के तमाम इकदाम कर रखे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भरपूर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस में और बैरूनी सिक्योरिटी सूरतहाल का जायजा। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर किस्म के खतरात से निबड़ने के लिए हमा वक्त तैयार है, सिपा सलार पुरअज़्म। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला की इस्तेदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच कल मुकदमे की समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास 21 अक्टूबर को तलब। महंगाई और मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च से निबड़ने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। कराची के 7 अजला में 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। सिंध हुकूमत की दरखास्त मंजूर, फैसला सिक्योरिटी एहलकारों की कमी के बायस किया गया। 15 रोज बाद इजलास में मामले का दोबारा जायजा लिया जाएगा, ECP का एलामिया। इस्लामाबाद में विफाकी काबीना का इजलास, बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा। वजीर आजम की करप्ट अफसरान की फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने दौरा काजिकिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों से भी आगाह किया। वफाकी हुकूमत का शाहजेब कत्ल केस के फैसले के खिलाफ पटिशन दायर करने का फैसला, मुकदमे में हमें नहीं सुना गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का मौकिफ, सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जदोई समेत तमाम मुलजमान को बरी कर दिया था। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मिलने वाली लाशें DNA के बाद पुलिस के हवाले। AD की मदद से 20 से ज्यादा लाशों की तदफीन। अस्पताल की छत पर लावारिस लाशों के मामले का इंकशाफ हुआ था।